In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English. And today's our lecture number is 11. Dear students, आज की इस लेक्चर में हम analysis of complex sentences के बारे में पढ़ेंगे कि basically जो है complex sentence होता क्या है. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि complex sentence, compound और simple. तो ये हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं. उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाए थे सेंटेंस, वो आपको मीनिंग्स के अकॉर्डिंग पढ़ाए थे, जिसमें मैंने सेंटेंस और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव ये सारी जो है आपको बताई थी, एक्सक्लेमेटरी जो थी वो सारी आपकी जो थी अकॉर्डिंग टू आपकी मीनिंग्स थी. और ये जो है आपके सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स, ये सारी आपकी जो है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर है सेंटेंस में. तो आज हम इसका एक जो सेंटेंस है जो कम्प्लेक्स, उसको हम पूरा सा डिटेल में पढ़ेंगे. एक सेंटेंस को उसका हम एनालिसिस करेंगे, उसका तज्जिया करेंगे, उस सेंटेंस पर पूरा फोकस करेंगे कि बेसिकली ये सेंटेंस है क्या. कम्प्लेक्स बेसिकली होता है आपका किस चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड जब कोई चीज़ होती है, इंट्रिकेट होती है, मीन्स के डिफ़िकल्ट होती है, कि उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब सेंटेंस में जो इंटर रिलेटेड पार्ट्स आपस में होते हैं, जिसमें आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी सेंस नहीं बन रही होती, जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो बेसिकली हम अपने एनालिसिस ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसी बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और जब वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो बेसिकली वो क्या चीज़ें जो हैं वो बन जाती हैं. तो कम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज बिसाइड्स द मेन क्लॉज. बेसिकली जो हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो हमारा एक जो है उसमें मेन क्लॉज होता है, इसमें हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. वन मेन क्लॉज और मोर कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा मेन क्लॉज है जिसमें हमारे प्रेडिकेट, हमारा सब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं, जिसकी सेंस बन रही होती है, वो हमारा होता है मेन क्लॉज. एंड वन मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट वो होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर, वो आपके सबऑर्डिनेट. मेन क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट होते हैं और सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो आपके दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, रिलाय उनका होता है उसी दूसरे सेंटेंस पर. इन्हें साथ जब करते हैं तो वो आपके सबऑर्डिनेट बन जाते हैं. पहले उनकी बजाहिर कोई सेंस नहीं होती, इसलिए हम उनको फ्रेज भी कहते हैं सबऑर्डिनेट को. जब किसी चीज़ की सेंस नहीं बन रही होती तो हम बेसिकली उसको फ्रेज कहेंगे, जब उसकी सेंस बन जाती है तो हम उसको क्लॉज कह देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये पहले भी आपको मैं उसमें लेक्चर में बता चुकी हूँ. तो आज हम उसको सबऑर्डिनेट को पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी सेंस जो है सेंटेंस की नहीं बनती तो दूसरे उस पर वो इनसार करते हैं. जैसे कि आप देखेंगे द पीपल सेड इट्स अ मेन क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, उसमें प्रेडिकेट भी है. एज द बॉक्सर्स आर एडवांस इनटू द रिंग, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इसके साथ हम एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ सकते हैं, जैसे कि दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट. हमारा एक मेन क्लॉज हो गया, हमारे जो है दो जो है उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. तो ये बन गया बेसिकली हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस. कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा जो है उसमें हमारा वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और टू और या वन मोर देन उसमें जो है डिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए. तो इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें थोड़ा समझना जो है वो कंफ्यूजन के बाद क्लियर हो जाता है, लेकिन पहले पहले जो है डिफिकल्टीज जो है वो आती हैं उस सेंटेंस में. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बिसाइड द मेन क्लॉजेस. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सबऑर्डिनेटर सच एज बिकॉज, सिंस, आफ्टर, although or when or a relative pronoun such as that, who or which. Dear students, आपका जो subordinate clause है वो basically कहाँ से start होता है? Sometimes उसका start जो है हमारा तो subject में से होता है उसमें clause में, लेकिन इसका subordinate का या phrase का कैसे होता है? Because से आपका sentence start हो रहता है, since से हो रहा होता है, after से हो रहा होता है, although से start हो रहा होता है आपका, और When से स्टार्ट हो रहा होता है, जिसमें आपके रिलेटिव प्रोनाउंस लगते हैं, दैट लगता है, दिस लगता है, दोस लगता है, हु लगता है, विच लगता है, जिसका स्टार्ट आपका इन सेंटेंस से होता है, तो वो क्या होते हैं? हमारे सबऑर्डिनेट सेंटेंस होते हैं, जिसमें हमारे स्टार्ट में सबऑर्डिनेटर यूज हुए होते हैं. एनालिसिस ऑफ
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज द एनालिसिस ऑफ द क्लॉजेस इन द सेंटेंसेस। बेसिकली ये भी हमारे जो एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है हमारे क्लॉजेस का, जिसमें हमारी सेंस बन रही होती है उसी का ही जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जब बाद में उन पर एक चीज डिपेंड हो जाती है तो उसकी भी सेंटेंस की सेंस बन जाती है, तो वो क्लॉज ही बन जाते हैं। हमारे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो जब हमारे मेन क्लॉज पर या हमारे डिपेंडेंट क्लॉज पर जब डिपेंड करते हैं तो उसके बाद वो सेंस बना लेते हैं, तो वो एक क्लॉज की फॉर्म में आ जाते हैं। सेंस नहीं बन रही होती, जब बन जाती है तो वो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फॉर्म में आ जाते हैं जिसमें हमारे वर्ब भी मौजूद होता है। A complex sentence consists of one main clause and one more subordinate clauses. The clauses which contains the main verb of the entire complex sentence is called the principal or main जो है क्लॉज। आपका प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा? वही जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? वही होगा जो आपका मेन क्लॉज होगा, जिसमें आपका एक ऑटोमेटिकली एसओवी के तहत, पैटर्न के तहत आपका जो है सब्जेक्ट और वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट मुकम्मल होगा, जो आपको एक तीनों चीजों की जो सेंस दे रहा होता है, जैसे कि आपको पूरी तरह से पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है कि आपका जो है पीपल सेड, आपका इसमें जो है आपका पीपल सब्जेक्ट भी आ गया और सेड जो है वो आपका उसमें से सेड कुछ कह रहा है, सेड उसकी जो है उसमें आपका वर्ब भी आ गया, तो इट्स मीन कि आपका वो एक मेन क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज मुकम्मल हो गया जिसमें आपकी पूरी सेंस बन गई। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमारा जो इसमें था कॉम्प्लेक्स में, वो हमारा सारा फोकस है सब ऑर्डिनेट पर, और हमने उसके आगे काइंड्स भी, टाइप्स भी जो है वो सब ऑर्डिनेट की देखनी है। बेसिकली जो हमारी फर्स्ट जो टाइप है वो है नाउन क्लॉज, उसके बाद सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज, फिर है हमारी एडवर्ब क्लॉज। ये हमारी बेसिकली थ्री टाइप्स हैं हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज की, जिसमें हम अपने जो है नाउन के क्लॉज को देखेंगे, जिसमें किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को एक प्रॉपर सेंस के मुताबिक दिया जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज में आपकी जिसमें मॉडिफाई करेंगे किसी भी क्वालिटी को, किसी भी मतलब डिस्क्राइब करेंगे। और एडवर्ब में तो आपके जो है उसमें मैनर ऑफ प्लेस, टाइम, इन चीजों को क्लॉज में बताएंगे, बेसिकली फ्रेज में आपकी क्या चीज यूज हो जाती है सेंटेंस में। When we need to do analyze a complex sentence is to find out the main or principal clause. जब भी हम अपने complex sentence की तरफ, intricate sentence की तरफ या किसी भी sentence की तरफ move करेंगे, तो हमें सबसे पहले जो है अपना find करेंगे अपने main और principal clause को। Main और principal clause means हम अपने एक उस sentence को find करेंगे जिसकी पूरी एक sense बन रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखें, whenever he was asked that question, the old man who lived in that house answered that the earth was flat. Dear friend, आप देखें कि इसका स्टार्ट जो है whenever से हुआ है। वैसे हमारा सेंटेंस का स्टार्ट कहाँ से होता है? सब्जेक्ट से होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा whenever से हुआ है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि यह हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसमें हमारा सबऑर्डिनेट यूज हुआ हुआ है स्टार्ट में, तो इसलिए हम उसको फौरन से देखेंगे कि हमारा अब प्रिंसिपल क्लॉज या हमारा वो क्लॉज जिसमें हमारा सब्जेक्ट मौजूद है वो कहाँ है। तो इसमें हमारा सेकंड जो द ओल्ड मैन है वो हमारा सब्जेक्ट है, हु लिव्ड इन दैट हाउस आंसर्ड दैट अर्थ वाज फ्लैट। द सेंटेंस गिवन अबव कंसिस्ट ऑफ फोर क्लॉजेस, हमारे सेंटेंस में हमारे फोर क्लॉजेस मौजूद हैं। टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लॉजेस इन अ सेंटेंस यू जस्ट नीड टू काउंट द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब। डियर फ्रेंड्स, फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिसमें हमारा, जिस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है हमारे सब्जेक्ट को एग्री करता है, मींस कि हमारा जो वर्ब है उसमें हमारा सब्जेक्ट को एग्री करेगा तो फाइनाइट बन जाएगा। हमारा सब्जेक्ट जो है हमारे मतलब वर्ब जो है हमारा सब्जेक्ट को एग्री नहीं करता, हमारा सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है, तो वो हमारा नॉन फाइनाइट या इनफिनिटिव बन जाता है। फिर एक दफा इस पर फोकस कीजिएगा कि आपको जो फाइनाइट का कैसे पता चलेगा। एक सेंटेंस है जिसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब जो है मौजूद है, जब उसमें हमारा जो वर्ब है हमारे सब्जेक्ट को एग्री कर रहा होगा, कि बता रहा होगा कि ये अकॉर्डिंग
फॉर्मूला है, इसमें हमारे प्रॉपर एक जो है अरेंज किया हुआ, एक ऑर्डर फॉर्म में चीज आई हुई है, एक अरेंजमेंट हुई हुई है चीज की, वो जब एग्री कर रहा होता है तो इट्स मीन कि जब हमारा जैसे कि यहाँ एक लीव्ड है, ये एग्री कर रहा है ओल्ड मैन से, तो इसमें हमारा जो है वो फाइनाइट है। जब हमारा ओल्ड मैन लास्ट में आ जाएगा और हमारा जो वर्ब है स्टार्ट में आ जाएगा, तो वो हमारा नॉन फाइनाइट या इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इसमें सेंटेंस दैट हैज टू फाइनाइट वर्ब has two clauses means कि इसमें हमारे two finite verbs हैं, इसमें हमारे two जो है हमारे clauses बन रहे हैं। He was asked, he जो है यहाँ पर हमारा एक subject है। अगर हम इस subordinator को side पर रखें तो हम इसमें देखेंगे हमारे two जो है finite, he जो है हमारा subject हो गया, asked जो है पूछना, एक action verb हमारा, एक action word जो है हमारा यहाँ verb जो कहलाएगा, ये agree कर रहा है, he was asked, उसने पूछा, मींस कि हमारे सब्जेक्ट ने पूछा, तो हमारा वर्ब जो है इससे ऑटोमेटिकली एग्री कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड फाइनाइट। तो हमारा एक इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब ये हो गया। सेकंड में आप देखेंगे द ओल्ड मैन हु लिव्ड, देखें यहाँ पर हमारा जो एक्शन वर्ड है वो है लीव, मींस कि कोई किसी जगह पर एक्शन शो कर रहा है, रह रहा है, तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या, ओल्ड मैन के मतलब ओल्ड मैन की, एक बूढ़ा आदमी रह रहा है, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो वर्ब है एक्शन वर्ड वो हमारे सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है, तो ये हमारा दूसरा फाइनाइट वर्ब हो गया। जब भी हमारा फाइनाइट वर्ब में हमारा जो है वर्ब जो एग्री करेगा हमारे सब्जेक्ट को, तो वो हमारा एक क्लॉज बन जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा सब्जेक्ट भी मौजूद है, हमारा फाइनाइट भी मौजूद है। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस देखें, दूसरा क्लॉज कैसे बना, इसमें भी हमारा फाइनाइट भी मौजूद है और इसमें हमारा सब्जेक्ट भी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बिहाफ पर हमने अपने सेंटेंसेस को देखा कि अ सेंटेंस दैट हैज two finite verb has two clauses, जब इसमें two finite verb हो गए तो automatically ये हमारे sense देने पर हमारे two clauses बन गए। In the same way, a sentence that has four finite verb has four clauses, हमारे जितने ही finite verbs होंगे एक sentence में उतने ही हमारे clauses बनते जाएंगे। तो basically sentence में हमारे two finite verbs थे, तो इसलिए हमारे automatically two हमारे जो है उसमें clause बन गए। जितनी भी हमारी उसकी जो है हम numbering करते जाएंगे तो हमारे clause उतने automatically जो है generate होते जाएंगे। Verbs can be finite or non-finite, infinitives, participles and gerunds are non-finites, all other verbs are finites, जिसमें हमारे verb जो है finite और non-finite जो होते हैं वो हमारे पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट एग्रीमेंट हम देख लेते हैं, और इन्फिनेटिव भी हमें पता चल जाता है कि जब हमारा एग्री नहीं। पार्टिसिपल्स एंड जेरंड्स जो है हमारे नॉन फाइनाइट्स हैं, इसमें हमारा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो वो हमारे बेसिकली जो है पार्टिसिपल्स होते हैं, जिसमें हमारी थर्ड फॉर्म बेसिकली हम यूज करते हैं। तो ऑल अदर वर्ब्स आर फाइनाइट्स, जितने भी सारे वर्ब्स होंगे, जितने भी सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे, जितने भी सारे हमारे एक्शन वर्ड्स होंगे, वो सारे फाइनाइट्स होंगे, लेकिन हमारे पार्टिसिपल्स और जेरंड्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे जो होते हैं नॉन फाइनाइट्स कहलाए जाएंगे। तो सो इन दिस एग्जांपल गिवन अबव द फाइनाइट वर्ब्स आर वाज, आस्क्ड, लीव, आंसर्ड एंड वाज। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट अस एनालाइज द सेंटेंस। Whenever he was asked these questions, the old man who lived in that house answered that the earth was flat. इसमें हमने देखना है कि इसमें हमारा जो was है, वो हमारा एक automatically auxiliary verb है. Asked है, वो हमारा एक action word है. और इस तरह से हमारा जो lived है, answered, ये सारे action word हैं. And was verb जो है, वो हमारे helping verb हो जाएंगे. वो हमारे auxiliary verb. तो basically यहाँ सारे इस sentence में हमने अपना focus किया auxiliary verb पर भी हमने देखा और finite verb हमने देखे. Next, the old man answered, it's a main clause. अब इसी हमने सेंटेंस में अपना मेन क्लॉज भी देखना है और हमने इसमें अपने जो बाकी एडजेक्टिव हैं और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं उस पर फोकस करना है। द ओल्ड मैन आंसर्ड, हमारे इस सेंटेंस में हमारा मेन क्लॉज पूरा पूरा ये हो गया, इंडिपेंडेंट भी हो गया और ये हमारा एक जो है मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहलाता है। द ओल्ड मैन हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, आंसर्ड कि उसने जवाब दिया, हमारा जवाब देना जो हो गया वो एक एक्शन वर्ड हो गया, और ऑटोमेटिकली हमारा एक्शन वर्ड जो होता है हमारा प्रेडिकेट होता है और हमारा सब्जेक्ट होता है, तो ये एक पूरा का पूरा हमारा जो है वो क्लॉज बना। तो यहाँ पर हमने एक अपना मेन क्लॉज खुद ही फाइंड कर लिया अपने सेंटेंस से। सेकंड हम देखेंगे व्हेनेवर ही वाज आस्क्ड द क्वेश्चंस,
जब सवाल पूछा तो बेसिकली अब वो कोई क्वेश्चन अपना रेस कर रहा है, हमने अपना सबऑर्डिनेट सबसे पहले देख लिया, ही वॉज आस्क द क्वेश्चन एट वर्क क्लास ऑफ टाइम मॉडिफाइंग द वर्क आंसर। हमने ये देखा कि वो उसमें हमने टाइम पर फोकस किया कि हमारा जो टाइम जो है उसमें उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्लॉज किसके बारे में बता रहा है, वो हमारे इस सेंटेंस में हमारे टाइम के मुताबिक बता रहा है कि सवाल जो है वो कब पूछा था उसने। तो मीन्स के वर्ब आंसर मॉडिफाई द वर्ब आंसर जो हमारे आंसर वर्ब को शो कर रहा है। थर्ड, हमने इसी सेंटेंस के पार्ट्स में अपने देखने हैं सारे क्लॉजेस कि हु लिव्ड इन दैट हाउस। हु लिव्ड मतलब कि हमारा एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइड द नाउन मैन कि कौन रहता है, हमारा एक पर्सन रहता है, पर्सन किसको शो कर रहा है, हमारे नाउन क्लॉज को। डियर इसी में ही हमने अपने सबऑर्डिनेट जो के टाइप्स हैं हमारी कि एडवर्ब और नाउन और एडजेक्टिव, इसी सेंटेंस में से ही मैंने आपको अब उसको एग्जाम्पलीफाई कर दिया है कि जो हमने एक अपनी एग्जाम्पल ली है उसी में ही मैंने आपको बता दिया है। व्हेन एवर ही वाज आस्क्ड द क्वेश्चन कि इसमें हमारी जो है वो टाइम लिमिट की जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसमें हमारा एडवर्ब बताया जा रहा है कि टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमारे इसको बताया। इसमें हमारा सेकंड जो है वो हमें फौरन से बता रहा है किस तरह से कौन सा पर्सन जब एक हाउस में रह रहा है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे नाउन क्लास की तरफ आ रहा है कि किसी भी पर्सन या थिंग या किसी भी मतलब प्लेस के बारे में जब कोई चीज बताई जाती है वो हमारा नाउन क्लास कहलाता है। तो यहाँ पर नाउन क्लास क्या है, ओल्ड मैन जो एक घर में रह रहा था। दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, अब हमारा नाउन जो है क्लॉज वो हमारा एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, किसी भी नाउन की क्वालिटी को बता रहा था, एक्शन को बता रहा था। अब हमारा दैट द अर्थ वॉज फ्लैट, हम वहां पर एक लास्ट में जो था अर्थ फ्लैट थी, नाउन क्लॉज जो है एक प्लेस को एक स्पेस को बता रहा है विच एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब आंसर्ड, कि जिसमें हम जो बता रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमारा जो फ्लैट जो है वो हमारे एक आंसर्ड के बारे में बता रहा है, एक आंसर को शो कर रहा है हमारे कि तरह से हमारी वो जहाँ पर जो जमीन थी वो एक स्मूथ एक हमवार टाइप एक फ्लैट थी। तो नाउन क्लास किसको बताएगा, हमारे ऑब्जेक्ट के एक्ट्स को बताएगा हमारा कि यहाँ पर क्या हमारा एक्शन जो है वो जाहिर हो रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेसिकली नाउन क्लॉज जो है वो क्लॉज होता क्या है, हमारी जो फर्स्ट टाइप है हम उसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली एक डिटेल में कि नाउन क्लॉज क्लॉज जो है इज वन व्हिच डज द वर्क ऑफ अ नाउन, कि नाउन क्लॉज जो है वो हमारा वर्क जो है वो एक नाउन की तरह ही करता है इन रिलेशन टू सम वर्ड इन सम अदर क्लॉज, जिसमें उसका रिलेशन जो है वो अदर वर्ड्स के साथ भी होता है और अदर सेंटेंसेस के साथ भी होता है। नाउन का सिर्फ जो रिलेशन है वो उसके सिर्फ जो है वर्ड के साथ नहीं होगा, उसके सेंटेंसेस में भी होगा, वो अपने वर्क की परफॉर्मेंस जो है वो सेंटेंसेस में भी शो करेगा। अ नाउन क्लॉज यूजुअली एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अनदर क्लॉज, हमारा जो नाउन क्लॉज है यूजुअली वो हमारा एक्शन को शो करता है सब्जेक्ट के तौर पर या फिर ऑब्जेक्ट के वर्ब के तौर पर भी एक दूसरे क्लॉज में जब वो मॉडिफाई कर रहा होता है चीजों को। इन द एग्जाम्पल अबव द नाउन क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज, जैसे कि अभी मैंने द अर्थ वॉज फ्लैट की बात की थी, इसमें हमारा वही जो है हमारा नाउन क्लॉज जो था हमारे जो एक्शन वर्ड को जो है हमारे ऑब्जेक्ट के एक्शन को शो, एक होता है एक्शन वर्ड हमारा वर्ब, एक होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट का एक्शन कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या एक्शन शो करवा रहा है। तो बेसिकली जो नाउन क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन द वर्ब इन द मेन क्लॉज, हमारे जो मेन क्लॉज में जो लास्ट में सब्जेक्ट और वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है तो वो जो लास्ट वाला जो हमारा वर्ड होता है वो किसी एक्शन को शो करवाता है तो वो हमारा नाउन क्लॉज कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है हमारा, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज वन व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन रिलेशन, तो हमारी किसी भी नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी को बता रहा होता है तो उसके दूसरे सेंटेंस में क्लॉज में हमें उसका रिलेशन हमारे लिंक करके हमें बताता है कि किस तरह से हमारे वर्ड्स और सेंटेंसेस एडजेक्टिव
के जरिए हमारे नाउन और प्रोनाउंस जो हैं वो आपस में क्वालिटीज के अकॉर्डिंग जो है लिंक्ड हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव एक क्लॉज बन जाता है, उसमें हमारे एडजेक्टिव के साथ सेंटेंस की सेल्फ बनी हुई होती है, तो वो बेसिकली क्लॉज बनता है। एंड एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो वर्क करता है हमारे एडवर्ब के तौर पर, मतलब एक वर्ब और दूसरा हमारा एडजेक्टिव, फिर एक एन अदर एडवर्ब, तो ये हमारा जो है सेंटेंस में एक एडवर्ब जो है काम करेगा। डियर फ्रेंड्स फोकस कीजिएगा, वर्ब पहले होगा, फिर उसके बाद हमारा एडजेक्टिव होगा, फिर एन अदर एडवर्ब होगा, तो ही हमारा सेंटेंस जो है हमारे और वर्ड जो है आपस में लिंक्ड होंगे। एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, इसमें हमारा सबसे पहले एडवर्ब जो है वो टाइम को बताता है, सेज व्हेन समथिंग हैपेंस, कि कब ये चीज वाकिया हुई, किस टाइम में हुई, किस वक्त मौजूद, ये जो है उसका जो है ये मौजूदगी में आई, तो ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है ये बेसिकली हमें बता रहा होता है कि व्हेन समथिंग हैपेंस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो हमें बताता है व्हेन समथिंग, मत वेयर समथिंग हैपेंस, व्हेन कि कब हुई ये चीज, टाइम को फौरन बताएगा, और वेयर समथिंग, वेयर की जब बात आएगी तो ऑटोमेटिकली हमें पता चलेगा कि ये हमारी प्लेस की बात हो रही है। एडवर्ब्स यूजुअली एक्सप्रेस आइडियाज सच एज टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो थिंग है उसमें जब आपकी फ्रीक्वेंसी या आपके न्यूमेरिकल थिंग्स की बात होगी, ऑटोमेटिकली आपकी उसमें क्वांटिटेटिव फॉर्म यूज होगी, जब आपका बाकी डाटा जो होगा वो आपका क्वालिटेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स आपने फोकस करना है कि जब भी चीजें हमारी लिंक्ड करेंगी क्लॉज में, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम और प्लेस के तहत जो है वो हमारे सेंटेंस में एक सेंस में आएंगी, तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। क्लॉज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी किसी चीज की, कोई चीज की सेंस पूरी कंप्लीट बन रही हो, होल स्ट्रक्चर मौजूद हो, तो ही वो बनती है। तब उनके साथ जब ये चीजें ऐड होती जाती हैं, तो वो पूरा एडवर्बियल क्लॉज बन जाता है। नेक्स्ट देखें, समटाइम्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज अनदर सबऑर्डिनेट क्लॉज विद इन इट। समटाइम जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एक एक से भी ज्यादा हो सकता है, वन एंड मोर देन वन हो सकता है, टू और मोर देन टू हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो एक सेंटेंस है उसमें हमारा एक ही सबऑर्डिनेट क्लॉज पाया जा रहा हो, उसमें हमारे बहुत से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है मौजूद हो सकते हैं। हमारे जो है बेशक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो है काफी सारे हो, लेकिन हमारा मेन क्लॉज जो है वो हमारा एक ही होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। नाउ लेट्स एनालाइज अनदर सेंटेंस। अब हम वो सेंटेंस देखेंगे, पहले हमने वो देखा जिसमें हमने उसमें पूरा उसका एक सेंटेंस का एनालिसिस किया कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप उसको उसके मेन क्लॉजेस देखे थे और बाकी हमने उसके एडजेक्टिव, एडवर्ब और हमने उसके नाउन देखे थे। अब हम आएंगे कि जब हमने एक सबऑर्डिनेट देखना तो उसके साथ हमारा दूसरा सबऑर्डिनेट जो है वो कहाँ हम अपना फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट ही पॉकेटेड द मोबाइल फोन व्हिच वाज लाइंग ऑन द टेबल। अब देखें कि हमारा ये एक सेंटेंस है, उसमें हमने देखना, बिफोर यू स्टार्ट एनालाइजिंग दिस सेंटेंस यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स इन इट। हमने उसी तरह जिस तरह से हमने प्रीवियस सेंटेंस में अपने फाइनाइट वर्ब फाइंड किए थे, इसमें भी सबसे पहले हम अपने जो है फाइनाइट वर्ब को देखेंगे कि आई थिंक दैट ही पॉकेटेड। अब यहाँ पर हमारा ही जो है वो सब्जेक्ट है, पॉकेटेड, कि उसने अपने वहां पर रखा द मोबाइल फोन विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल। इसमें जो हमारा जो है ये एक वर्ब जो है, हमारा लाइंग जो है वो हमारा क्या है, एक फाइनाइट है। तो इस तरह से हमारा जो पॉकेटेड है जिसमें हमने कोई चीज रखी, तो वो भी हमारा फाइनाइट है। तो हमने अपने इसमें देखना है कि कौन सा हमारा सेंटेंस है, उसमें कितने, अब इसमें हमारा एक हमारा लाइन जो है रखना, किसी चीज मेज पर रखा हुआ है, तो एक हमारा जो फाइनाइट वर्ब हमें शो हो रहा है, तो बेसिकली हमारा क्लॉज भी यहाँ पर एक ही है, ही पॉकेटेड द मोबाइल फोन विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल। क्योंकि हमारा लाइंग एक फाइनाइट वर्ब है, तो हमारा यहाँ पर क्लॉज भी एक बना है, भले ही उसकी जितने मर्जी और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, लेकिन इस वक्त इसका क्लॉज एक ही बन रहा है, क्योंकि हमें फाइनाइट वर्ब एक सेंस दे रहा है कि हमारा वर्ब एक मौजूद है। तो इसमें देयर आर थ्री थिंग पॉकेटेड एंड आंसर वॉज लाइंग। अब आपने देखा कि अब एक जो है उसमें हमारे कितने हो गए, थिंक सोचना, उसमें एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या हमारा यूज हो गया, वॉज यूज हो गया,
फिर हमारा पॉकेटेड हो गया, फिर हमारा लाइंग हो गया, तो कितने हमारे यहाँ पर थ्री, वॉज लाइंग एक हो गया, पॉकेटेड और थिंक हमारे ये सारे थ्री फाइनाइट वर्ब हो गए इसमें। जिस तरह से हमारे उसमें जो थे टू फाइनाइट थे, इस एक सेंटेंस में हमने थ्री फाइनाइट वर्ब को, हम अपने थ्री वर्ब को इजीली फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक, देन पॉकेटेड, देन वॉज लाइंग। वॉज इसलिए कि एक हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरा हमारा एक्शन वर्ड हो गया। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब आर प्रेजेंट इन दिस सेंटेंस। आई थिंक दैट पॉकेटेड द मोबाइल फोन व्हिच वाज लाइंग ऑन द टेबल। अब इसमें हमने अपना मेन आइडिया फाइंड किया, हम अपना इसमें मेन आइडिया जो है वो फर्स्ट आई थिंक, इट्स अ मेन क्लॉज, क्योंकि इसमें पूरी सेंस मौजूद है। आई इट्स अ सब्जेक्ट, थिंक इज अ वर्ब, दैट ही पॉकेटेड द मोबाइल इट्स अ नाउन, नाउन क्लॉज, कि इसमें कोई पर्सन जो है एक नाउन से विच एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट, के ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है मोबाइल फोन, कि एक एक्शन है जिसको रखा जा रहा है। विच वॉज लाइंग ऑन द टेबल, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, जिसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, जो हमारा मॉडिफाई कर रहा है किसको, नाउन को, मोबाइल फोन को। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अपने पिछले एक सेंटेंस का एनालिसिस किया था, इस तरह से हमने इस सेंटेंस में भी एनालिसिस करते वक्त सबसे पहले हमने अपने फाइनाइट वर्ब्स की काउंट कर ली तादाद, उसके बाद हमने अपना मेन क्लॉज देख लिया, फिर हमने अपना नाउन क्लॉज देख लिया इसी ही सेंटेंस में, फिर हमने एडजेक्टिव देख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके एनालिसिस ऑफ कंप्लेक्स सेंटेंस, जिसमें आप अपने एक सेंटेंस को जो है इंडिपेंडेंट रखेंगे, बाकी आप उसको सबऑर्डिनेट कर देंगे। सबऑर्डिनेट मींस के बाकी आपके फ्रेज भी कहलाएंगे, वो जो आपके जो वर्ड्स मैंने बताए हैं, व्हेन, एवर, ऑल, दो, सिंस, ये आपकी जो है पहचान है आपके सबऑर्डिनेट सेंटेंस की। जब भी कहीं भी आप किसी भी सेंटेंस को देखने लगेंगे, आपका स्टार्ट अगर इन्हीं वर्ड से, इन्हीं जो आपको मैंने बताए स्टार्ट हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली आपका फोकस जाएगा दीज ऑल आर जो है वो सबऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेट सेंटेंस, के इनको हम फ्रेज की सूरत में भी राइट करेंगे, किसमें एक प्रॉपर बात नहीं बताई गई होती, जिसमें सेंटेंस में बात का मुंह सर नहीं होता कि बात स्टार्ट कहाँ से हुई है, जिस तरह से एक बात को पूरी फॉर्म नहीं दी गई। तो जब हम एक चीज को फॉर्म दे देते हैं तो वो फौरन से कन्वर्ट होकर हमारे क्लॉज में, तो बेसिकली सबऑर्डिनेट भी हमारी जब इन चीजों को हम जब अरेंज कर लेते हैं तो वो बेसिकली वो भी क्लॉज बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क टू मी। और एक बात फोकस कीजिएगा कि मैंने सैटरडे को आपकी जूम जो मीटिंग जो है वो अरेंज जो की है, उसमें मैंने आपको सारे जितने भी आपको फंक्शनल के टॉपिक्स जो कवर करवाए हैं वो आपके सारे जो है उसमें प्रिपेयर आपने करने हैं, इंक्लूडेड जो आपके सब सिलेबस में है उसी में से आपका जो है वाइवा मैं कंडक्ट करूंगी, और उसी के मुताबिक आपसे सारे पॉइंट्स जो है, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज डियर फ्रेंड्स।